स्वागत है आपका। क्या कह रहे हो, स्वागत नहीं चाहिए, पीसी बिल्ड चाहिए, वो भी 25,000 में जीपीयू के साथ, जिसमें गेम्स और एडिटिंग दोनों हो जाए। हाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट भैया जी के पास हो पूरा हो जाएगा। एंड प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, ताकि तुम्हें पीसी बिल्ड से रिलेटेड कुछ सच्ची बातों का पता चले, जो तुम्हें कोई और चैनल पे नहीं मिलेगी। तो चलते हैं भैया जी, कार्यक्रम शुरू किया जाए। तो पहला स्थान ग्रहण करेंगे हमारे छोटे मियां। सीपीयू राइजन 5 3600। ध्यान रहे, ये प्रोसेसर इंटीग्रेटेड जीपीयू के साथ नहीं आता है, क्योंकि इस प्रोसेसर के आगे जी नहीं लगा था। अले अले पल भैया जी, डिस्प्ले वो कैसे मिलेगी? अरे उसके लिए डेडिकेटेड जीपीयू यूज करेंगे ना छोटे, तू चिंता क्यों करता है? तो फिर ठीक है, अभी का ठीक है, पहले स्पेसिफिकेशन तो देख ले। ये प्रोसेसर आता है 6 कोर 12 धागों के साथ। धागों के साथ? छोटे बोले तो ये अपन के बोलने का स्टाइल है। और 35 MB कैशे एंड 4.2 GHz की बूस्ट क्लॉक स्पीड। अच्छा भैया जी, प्रोसेसर में और कुछ भी देखना होता है क्या? हाँ छोटे, सीपीयू का सॉकेट देख लेना, क्योंकि उसी के हिसाब से मदरबोर्ड सेलेक्ट करना होता है। अब तुम इंटेल के प्रोसेसर के साथ B450 मदरबोर्ड पेयर करोगे तो वो थोड़ी ही चलेगा। एंड इस प्रोसेसर के साथ तुम AAA टाइटल गेम बहुत इजीली प्ले कर पाओगे। और भैया जी GTA 5? वो भी छोटे। और GTA 6? औकात मेरे। तो देखो, ये कंफ्यूजन तो तुम्हारे भी दिमाग में आ रही होगी कि इस पे कौन कौन से गेम चलेंगे। तो ज्यादा देर का चूतिया ना काटते हुए, मुद्दे की बात ये है कि हर एक गेम की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। जो गेम तुम्हारे पीसी के स्पेक्स के हिसाब से मैच करता है वो तुम प्ले कर लोगे। एंड आजकल हर पीसी में गरीना फ्री फायर, BGMI, GTA 5, वेलोरेंट, ये सारे गेम बहुत ही आसानी से चलते हैं एंड इसमें भी चल जाएंगे। एंड बाकी के गेम पीसी की स्पेसिफिकेशन एंड गेम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से तुम खुद पता लगा सकते हो। तो अब यूट्यूब पे देखना बंद कर दो कि ये गेम इस पे चलेगा कि नहीं, वो गेम इस पे चलेगा कि नहीं। तो भैया जी चलते हैं अगले कंपोनेंट बोर्ड की तरफ। ASRock B450M HDV। ये मदरबोर्ड AM4 सॉकेट को सपोर्ट करती है एंड इस मदरबोर्ड में तुमको एक डिसेंट सी VRM सेक्शन मिल जाएगा, जो इस प्रोसेसर को बहुत ही इजीली हैंडल कर लेगी। एंड भैया जी इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये मदरबोर्ड 32 GB रैम तक सपोर्ट करती है, जो कि 3200 MHz की फ्रिक्वेंसी तक इजीली हैंडल कर लेगी। और भैया जी गड्ढे वो तो छोटे नगर पालिका वाले भरवाएंगे। इस मदरबोर्ड में तुमको सभी एसेंशियल पोर्ट देखने को मिलेंगे, जैसे HDMI, DVI, USB 2.0, USB 3.0, RJ45, ऑडियो जैक M.2 एंड PCI Gen 3 का सपोर्ट। एंड भैया जी मैं तुमको साफ साफ बता देना चाहता हूँ, ये नॉर्मल मदरबोर्ड है, बट इस मदरबोर्ड के साथ तुम एक डिसेंट सी गेमिंग एंड एडिटिंग दोनों ही कर लोगे। एंड भाई साहब जनहित में जारी, अगर तुमको कोई भी पीसी बिल्ड करना है या कोई सेकंड हैंड जीपीयू बाय करना है या फिर प्री बिल्ड बाय करना है, तो तुम फैम्बर्स बिल्ड से बाय कर सकते हो। अब कुछ लोगों के दिमाग में चुल्ल कट रही होगी कि हम भाई यहीं से क्यों बिल्ड करें। तो देखो, Amazon से जो प्रोडक्ट तुम बाय करोगे उसके कंपैरिजन में यहाँ पे तुमको कुछ प्रोडक्ट सस्ते मिल जाएंगे एंड सेकंड हैंड जीपीयूस भी अवेलेबल है। फैम्बर्स बिल्ड अपने जितने भी जीपीयूस हैं उन सभी को पहले टेस्ट करता है एंड देन सेल होती है। तो भैया जी कंपोनेंट हो गया या पीसी बिल्ड, फैम्बर्स बिल्ड से बाय करोगे तो फायदे में रहोगे। कैसे फायदे में रहेंगे भैया जी? वारंटी वो कौन क्लेम करके देगा? और हाँ, हमको सबसे सेफ वाला पेमेंट मेथड चाहिए, जो वो उसको क्या बोलते हैं, वो COD, कैश ऑन डिलीवरी, हमको वो चाहिए। तो देखो वारंटी की बात रही तो Amazon भी तुमको ऑनलाइन वारंटी नहीं देता, बट फैम्बर्स बिल्ड पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। घर पे बैठ के ही वारंटी क्लेम कर सकते हो और तुम्हें सर्विस सेंटर के भी बार बार चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे। एंड भाई साहब पेमेंट का सीन तो कुछ ऐसा है कि मैं क्या बताऊं, 10% पेमेंट तुम एडवांस कर दो ताकि ये लोग श्योर हो जाए कि हाँ तुमको पीसी बिल्ड लेना है, और बची हुई पेमेंट कैश ऑन डिलीवरी कर देना। तो भाई साहब पीसी बिल्ड से रिलेटेड तुम्हें कोई भी कंपोनेंट बाय करना है तो फैम्बर्स बिल्ड से बाय करो। एंड भैया जी अब बढ़ते हैं घोड़े की तरफ। भैया जी घोड़ा XPGA डेटा गेमिंग D30 DDR4 16 GB की रैम, ये रैम सपोर्ट करती है 3200 MHz की फ्रिक्वेंसी को। और भाई साहब देखो इस रैम को सेलेक्ट करने का वजह सिर्फ एक ही है, इसकी प्राइस, जो काफी ज्यादा कम है। एंड साथ ही में ये रैम हीट सिंक के साथ आती है। एंड देखो DDR4 में इससे सस्ती भी रैम अवेलेबल है, बट उनमें हीट सिंक अवेलेबल नहीं है, इसलिए उस रैम को सेलेक्ट नहीं करा। तो भाई साहब अब बारी आती है अगले कॉम्पोनेंट स्टोरेज की, जिसमें हम यूज करेंगे कंसिस्टेंट S6 512 GB की SSD। अब तुम सोच रहे होगे NVMe कहां गई, मदरबोर्ड तो वो भी सपोर्ट करती है, वो भी तो यूज कर सकते थे। तो नहीं, वो बिल्कुल यूज नहीं कर सकते थे भैया जी, जेब में इतना रोकड़ा नहीं बचा था कि एक NVMe ले लें। एंड अब यहाँ कुछ लोग अपना दिमाग देने आएंगे, अबे 256 GB की NVMe बाय कर लेता तो उनको मैं बता दूं 256 GB में 100 GB की विंडोज हो जाएगी एंड बची GB में तुम्हारा पर्सनल डेटा, और फिर गेम्स को तो भूल जाओ, क्योंकि जितनी भी स्टोरेज बचेगी उतने में सिर्फ तुम एक गेम रख सकते हो बस। और भैया जी स्टोरेज पूरी भी काम मिलती है, वो तो 5 से 10 GB तक का कम होती है। अरे वाह छोटे, तू तो समझदार हो गया। एंड भैया जी अब बारी आती है आन बान शान जीपीयू तुम्हारी जान की। अब देखो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम RX 560 ले लो और या फिर GTX 1650, दोनों ही अलग रैम के साथ आते हैं। भैया जी इनमें से बढ़िया कौन सा रहेगा वो बताओ। बताता हूँ छोटे, थोड़ा सा सबर रखा कर। तो भाई साहब अगर तुमको सिर्फ गेमिंग करनी है तो RX 560 ले सकते हो, बट वही गेमिंग के साथ एडिटिंग पर भी काम करना है तो GTX 1650
1650 तुम्हारे लिए बढ़िया ऑप्शन है। एंड भैया जी रियलिटी बताऊं तो तुमको ये जीपीयू सेकंड हैंड बाय करना पड़ेगा, क्योंकि तभी तुम इस पीसी को 25,000 में बिल्ड कर पाओगे। एंड ये दोनों ही यूज्ड जीपीयू तुम्हें अंडर 5,000 में मिल जाएगा। एंड अगर न्यू जीपीयू बाय करोगे तो इस पीसी की कॉस्ट तुमको 40,000 तक पड़ेगी। तो भैया जी अब बढ़ते हैं अपने अगले कॉम्पोनेंट ईएसयू की तरफ, जिसमें हम यूज करेंगे एंटी स्पोर्ट का VS500L। एंड भैया जी ये पीएसयू तुम्हारे ओवरऑल कॉम्पोनेंट का लोड बहुत ही आराम से उठा लेगा, क्योंकि ये 500 वाट का है। अब तुम इस पीएसयू के साथ चाहे RX 560 पेयर करो या GTX 1650, कोई फर्क नहीं पड़ता। और भाई साहब अब बसता है अपना लास्ट कॉम्पोनेंट भी नहीं बोल सकते, कैबिनेट है ये बेसिकली, जिसमें हम यूज करेंगे फॉन्टेक ऑर्बिट कैबिनेट। ये तुम्हारे ओवरऑल कॉम्पोनेंट को बड़े ही आराम से संभाल लेगा। एंड वेंटिलेशन के लिए तुमको ईमा 4 बड़ा बड़ा पंखा नहीं मिली, बिकॉज ये एक बेसिक सा कैबिनेट है, बट साइड में ग्रिल अवेलेबल है जो वेंटिलेशन ठीक ठाक सा प्रोवाइड करती है। तो तुम इस बिल्ड में इसके साथ जा सकते हो। एंड हाँ भैया जी, अभी तक मैंने तुमको जितने भी कॉम्पोनेंट सजेस्ट करे हैं वो इस बजट के हिसाब से करे हैं, क्योंकि ये एक बहुत टाइट बजट है। बट फिर भी हमने जैसे तैसे करके ग्राफिक्स कार्ड वाला पीसी बिल्ड करा है, जिसमें तुम थोड़ी बहुत गेमिंग और थोड़ा बहुत एडिटिंग कर सकते हो। तो अगर तुमको ये वीडियो जरा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो या अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करके जाना, और मिलते हैं और भी ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।